हेलो एनिमल्स, वेलकम टू एसकेएफ। आज हम एक नए मांगा पढ़ेंगे। ये मांगा है ड्रैगन बॉल काकुमी। इस मांगा को रिनुको ने लिखा है। अगर आप उपनाम है और फिर दूसरा एंजल कहता है, आप आखिर क्या चाहते हैं? और दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, दिव्य हीरा RCHY का उन्मूलन। फ्रीजा हंसते हुए फिर कहता है, इस महत्वपूर्ण स्वदूरस्थ तटस्था को हटाना ना भूले। और एंजल फिर देखता है, क्षमा करे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीजा। और फिर दूसरा एंजल भी कहता है, यह तटस्था है जो आपको बहुत पीछे खींच रही है और इसके कारण स्पष्ट संघर्ष हुआ और इसका अंत अच्छा नहीं हुआ। और फिर एक और एंजल कहती है, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसने देवताओं को तो मिटा दिया लेकिन स्वर्गदूतों को नहीं। फिर दूसरी एंजल कहती है, और इसमें खरबों निर्दोष लोगों को धमकाने वाला टूर्नामेंट था। और एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, लेकिन इस सब के बाद आपको गाइड से कैसे मदद मिलेगी? फ्रीजा कुछ सोचता है और फिर एक बहुत सारे गॉड्स आसमान में देखते हैं। देवताओं के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा और यह क्रांति घटित होगी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नस्वर हो या नहीं, जो हमारे तरीकों के खिलाफ होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और फिर एक और उसमें से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, एक नई दुनिया की खातिर और सही संतुलन के लिए। और फिर एक एंजल कहती, पिता बस हमें बताओ वह कौन है? और ग्रैंड पीस कहते हैं, आप सभी से यह बात छिपाने के लिए मुझे सचमुच खेद है, लेकिन वास्तव में ये द ग्रैंड प्रीसेस्ट है और ये आप सभी एंजलों की माँ है और इनका नाम केंसी है। और तभी सभी एंजलों की माँ दिखती है और वो कहती है, चाहिए कि मेरे अपने बच्चे भी मुझे नहीं पहचानेंगे, यह देखते हुए कि आपने अतीत में हमारे साथ क्या किया है। कौंसल, ग्रैंड प्रिस्टेस और एंजल्स की माँ। और तभी वो एंजल सीधा ग्रैंड प्रिस्ट के सिंहासन के ऊपर पैर रखती है और कहती है, बहू आईमी, पैमाने पर देवताओं के बीच युद्ध शुरू होने वाला है। क्रांति अब शुरू होती है। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो नस्वर हो या नहीं, अपना पक्ष चुनना होगा। केवल एक ही बचेगा। आइए पूर्णतः संतुलन के साथ एक नई दुनिया के लिए लड़े। और वो ग्रैंड प्रिस्ट को कहते रहती है। और ग्रैंड प्रिस्ट भी बहुत गुस्से में उठ के अपने हाथ ऊपर करके कुछ हमला करते हैं। और वो इतनी ताकत से रहती है कि सारे एंजल्स और गॉड हैरान रहते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में बहुत ज़्यादा ताकत से हमला करने लगते हैं और उनकी इतनी ताकत से वो खुद जख्मी हो जाते हैं और उनकी नाक में से खून आते रहता है। और सारे एंजल्स कहते हैं, पिता जी आप ठीक तो है? और ग्रैंड प्रिस्ट फिर कहते हैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। और सब चिल्लाते हैं, पिताजी। और तभी सारे एंजल्स जो दूसरे यूनिवर्स से रहते हैं वो देखते हैं और कहते हैं,
आपने उनके साथ क्या किया है? मैंने उन्हें समय और स्थान में जमा दिया है, लेकिन वह अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आपके वास्तव के लिए और इसे इसके बदले मैं फ्री और मैं इन सब को यूनिवर्स जीरो में भेजने जा रहा हूँ और ग्रैंड फिस देखते हैं। पर इसके कारण चलो हास स्पष्ट मत बनो। और वो दूसरे एंजल को कहता है, और एक एंजल कहता है, मेरी सहायता करो कुकटेल, हमें किबोटो के साथ सभी सर्वोच्च कैसे को इकट्ठा करना होगा और वे तरह होंगे या प्राप्त होना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ और आगे क्या हो सकता। और तभी सारे सुप्रीम काइज वहाँ पहुँच जाते हैं, हर यूनिवर्स के सुप्रीम काइज वहाँ रहते हैं। और एक एंजल वहाँ कहता है, मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रिय सर्वोच्च, कैसे हैं? जिन्होंने स्थिति का सारांश दिया, क्या आपको लगता है कि आप हमारी मदद करने में सक्षम हैं? और एक सुप्रीम का इसमें से कहता है और देखता है, और फिर यूनिवर्स सेवन का सुप्रीम काइन कहता है, यह कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन हमारे तीन किशोरों के साथ हम सफल होंगे। और विश देखता है और कहता है, चलो फोन बंद करो, लाइट्स खड़े हो जाओ। और ग्रैंड फिस भी बोलते हैं, अच्छा इसे जारी रखो। और तभी हम प्लैनेट अर्थ पे आ जाते हैं, जहाँ सारे लोग खाना खाते और मज़े करते रहते हैं। और वहाँ पे विडेल, चीची, एंड्रॉयड 18, क्यूरलिंग, गोटेन, मिस्टर सेटन, पैन और माजिन बू भी वहाँ रहता है। और उसमें से एंड्रॉयड 18 कहते हैं, रुको मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और विडेल कहते हैं, शुक्रिया मेरी बहन। और सब हंसते और खुश होते रहते हैं। और तभी चीची थोड़ी परेशान रहती है और विडेल इसको देख लेती है, और चीची कैप्सूल कॉर्प के अंदर